हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। सो इसकी स्टडी करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लें, ताकि हमें सर्किट डायग्राम पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और एक हमारी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग्स होती है जिसमें हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग्स होती हैं जहाँ पर हम अपने लोड को कनेक्ट करते हैं। अब ये दोनों वाइंडिंग्स जो रहती हैं, इन दोनों के वाइंडिंग्स के बीच में क्या लगा रहता है, आपका मैग्नेटिक कोर लगा रहता है, और इस मैग्नेटिक कोर के द्वारा ही फ्लक्स आपका प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, इतना हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। सो प्राइमरी वाइंडिंग हम लोग ने पढ़ा, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमारी कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होंगी। सबसे पहले हम लोग ने क्या करा है, सप्लाई वोल्टेज दिया है अपने ट्रांसफार्मर में। हमने सप्लाई वोल्टेज दिया तो हमने यहाँ पे V1 दिखा दिया है सप्लाई वोल्टेज का। ठीक है, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हुई, उस करंट को हमने किससे दिखा दिया, I1 से दिखा दिया है। अब हमारी जो वाइंडिंग है वो किसी ना किसी वायर के द्वारा तो बढ़नी होगी, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हमने किससे दिखाया है, R1 से। फिर नेक्स्ट क्या है, X1 क्या है, हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हम लोगों ने देखा ही है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, आगे जाके मैग्नेटिक कोर में इस तरह से लपट जाती है, तो इस तरह से आपका वाउंड होने के कारण रिएक्टेंस पैदा हो जाता है, उस रिएक्टेंस को हमने X1 से दिखा दिया है। अब R और प्लस X को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा इम्पिडेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग का इम्पिडेंस क्या हो गया, आपका Z1 हो गया। अब प्राइमरी वाइंडिंग का वायर गया आगे कहाँ गया, आपका मैग्नेटिक कोर में वाउंड किया गया, फिर वापस आ गया आपके सप्लाई वोल्टेज पे। अब आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग के बिल्कुल वाउंडेड पे जो एक EMF जनरेट हो रहा होगा उसे हमने E1 मान लिया। देख सकते हैं आपको यहाँ पे कि जितने भी हम यहाँ क्वांटिटीज़ ले रहे हैं वो 1-1 ही कंसिडर कर रहे हैं। क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्राइमरी वाइंडिंग की जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी उन्हें हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक नेक्स्ट इससे पहले ही वीडियो में पढ़ा था नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में जब नो लोड कंडीशन होती है, कहने का मतलब है जब आपके ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का लोड नहीं जुड़ा होता है, तब उस कंडीशन में दो तरह की करंट फ्लो होती। तो वो चीज़ अब आपको मैंने यहाँ दिखाई कि जब नो लोड करंट फ्लो होता है तो उस दौरान दो करंट फ्लो होती, एक होती IW करंट, ठीक है, एक होती IW करंट जिसे हम वर्किंग कंपोनेंट बोलते हैं। इस करंट के कारण ही आपके ट्रांसफार्मर में जितने भी लॉसेस होते हैं इसी करंट के कारण होते हैं। ठीक है, अब लॉसेस हो रहे हैं मतलब किसी ना प्रकार का आपका रेजिस्टेंस लगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने R0 करके रेजिस्टेंस दिखा दिया। R0 क्यों दिखाया, क्योंकि ये नो लोड करंट का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, IM कंपोनेंट, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं, और ये कंपोनेंट ही के कारण आपके मैग्नेटिक कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो ये IM कंपोनेंट हो गया और आपका वाउंडेड रहेगा पूरी वाइंडिंग्स में, तो उसके लिए आपका वाउंडेड वाली चीज़ों के लिए रिएक्टेंस कौन सा हो गया, X0। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें प्राइमरी वाइंडिंग में मिलती है। आई थिंक आप लोगों को इतने में किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग्स में। तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की इतनी स्टडी हो चुकी है, अब सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। आपने सेकेंडरी वाइंडिंग को वाउंड किया, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का तार गया, जब वाउंड किया जाता है तो एक रिएक्टेंस पैदा हो जाता है, उस रिएक्टेंस को हमने X2 से दिखा दिया। अब सेकेंडरी वाइंडिंग किसी न किसी वायर के द्वारा बनाई गई है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 मान लिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने Z2 मान लिया। Z2 मतलब इम्पिडेंस। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने लोड को कनेक्ट कर दिया, इस लोड पे जो भी वोल्टेज आ रहा होगा उसे हमने V2 से दिखाया है, और फिर वापस ये आपकी वाइंडिंग आ गई। यहाँ पे आपका EMF जनरेट हो रहा होगा जिसे हम E2 बोल रहे हैं, और ये इतनी क्वांटिटीज़ जो होती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जब कभी भी हम ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम की स्टडी करते हैं और यहाँ पर भूला जाता है कि बेटा KVL या KCL लगा के I0 की वैल्यू फाइंड करिए या सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट की वैल्यू को फाइंड करिए, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए इस सर्किट को सॉल्व करना है। क्योंकि हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, जिसको मदद से हम आसानी से किसी भी ब्रांच में किसी भी
लूप के अंदर आसानी से करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस पूरे सर्किट डायग्राम में कह दिया जाए कि केवीएल केसीएल लगा के किसी भी ब्रांच की करंट को फाइंड कीजिए, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिकल सेपरेशन है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर केवीएल और केसीएल लगने में दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो इसलिए हम इस ट्रांसफार्मर के इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को थोड़ा और इजी बनाते हैं। इसको इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का मतलब है कि अगर हम अपने ट्रांसफार्मर के सर्किट को आसानी से स्टडी करना चाहते हैं कैलकुलेशन के लिए, या तो प्राइमरी साइड की सारी क्वान्टिटीज़ को सेकेंडरी साइड पर शिफ्ट कर दीजिए, आइदर सेकेंडरी साइड की सारी क्वांटिटीज़ को प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा करने से हमारा सर्किट जो है आसान हो जाएगा और हम आसानी से केवीएल केसीएल लगा के किसी भी वाइंडिंग्स का आसानी से वोल्टेज करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं शिफ्टिंग के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि या तो प्राइमरी वाली वाइंडिंग को सेकेंडरी में भेज दिए, या फिर सेकेंडरी वाली वाइंडिंग की चीज़ों को प्राइमरी में भेज दिए। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को लेके कर रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ कि मैंने अपनी सेकेंडरी साइड की चीज़ों की क्वांटिटीज़ को सारी की सारी प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दिया। क्यों क्यों इसलिए किया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी साइड में बहुत ही कम क्वांटिटीज़ थी जो आसानी से शिफ्टिंग हो जाती। अगर हम प्राइमरी वाली को शिफ्ट करते तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, नो लोड करंट भी आपको शिफ्ट करना पड़ता, ठीक है, उनके कंपोनेंट आ जाते IM IW, इनको भी शिफ्टिंग करनी पड़ती, तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाता। हमें अपने सर्किट को आसान बनाना, ना कि डिफ़िकल्ट। तो हमने अपनी सेकेंडरी साइड की सारी क्वान्टिटीज़ को प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करने में हमने यहाँ पे डायग्राम देखते हैं कैसे क्या किया है। ये हमारी प्राइमरी साइड का सर्किट डायग्राम एज इट इज़ बना हुआ है, ठीक है, एज इट इज़ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। बस क्या किया हमने, सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को जब हम प्राइमरी साइड में भेजते हैं तो अब नाम बदल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस था, अब उसकी वैल्यू जब शिफ्ट करके दूसरी जगह भेजी जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है। तो उसको हमने क्या दिखे, R2 डैश, जहाँ जहाँ डैश लग कर आ जाए, मतलब मान लो R2 डैश, S2 डैश, तो डैश वाली चीज़ें का मतलब होता है वो चीज़ को आपने शिफ्ट किया है। तो R2 डैश हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो कि हमने प्राइमरी साइड भेज दिया है। X2 क्या है, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है जो कि हमने प्राइमरी साइड भेज दिया है। Z2 क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। V2 क्या है, आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है लेकिन हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, प्राइमरी वाइंडिंग में। उसी तरह E2 क्या है, आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है जो कि हमने शिफ्ट कर दिया है प्राइमरी साइड में। जब हम शिफ्टिंग कर देते हैं तो अब इनके फॉर्मूले बन जाते हैं, उन फॉर्मूले की मदद से हम सेकेंडरी वाइंडिंग्स की क्वांटिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्या फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि R2 डैश, अब R2 डैश की अगर वैल्यू आपको फाइंड करना होगा तो X2 R2 करके आप वैल्यू निकाल पाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। उसी तरह आपको X2 डैश की वैल्यू फाइंड करना हो तो X2 into X2 वैल्यू करके कर सकते हैं। और X2 की वैल्यू क्या है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जो कि आपके ट्रांसफार्मर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, E1/E2 = N1/N2 = क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। उसी तरह हम Z की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे आसानी से। इतना आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करा है, कुछ नहीं किया है, उसी डायग्राम को थोड़ा सा और इजी वे में बना दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस वाले यहाँ पे पहले नो लोड करंट वाले डायग्राम बना था, उसको हमने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है। इतना आपका एज इट इज़ प्राइमरी वाइंडिंग का डायग्राम दिख रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग का आपका वैसे भी वही है सेम, ठीक है। यहाँ पे बस हमने क्या देखा है, E1 आपका E2 के इक्वल हो गया है क्योंकि दोनों वाइंडिंग के EMF जो है इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं, अगर हमने इस नो लोड वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट कर दिया तो हम देख सकते हैं R1 और R2 दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं। क्या हम R1 और R2 को एक साथ लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ इक्वेशन में लिख के दिखाया है। R1 प्लस R2 को हमने क्या मान लिया, R इक्विवेलेंट मान लिया। उसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर X1 और X2 डैश
ये दोनों आपस में सीरीज में दिख रहे हैं और इन दोनों को सीरीज में दिख रहे हैं, तो हम एक्स इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, अब हमने आर वन आर टू हटा के क्या लिख दिया, सिंपल आर इक्विवेलेंट लिख दिया और एक्स इक्विवेलेंट लिख दिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने जेड इक्विवेलेंट लिख दिया, और ये हमारा नो लोड करंट का डायग्राम चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नीचे वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका नो लोड करंट होता है। ये नो लोड करंट जो रहता है, हम लोग मानते हैं नो लोड करंट जो रहता है तभी आता है जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन पे हो, और ये नो लोड करंट जो रहता है 2-5% ही रहता है टोटल करंट, तो इसे हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं। तो नेग्लिजिबल मानते हैं तो इस वाले सर्किट डायग्राम को हम हटा सकते हैं पूरा कम्प्लीटली। अब जब हम इस सर्किट डायग्राम को हटा देंगे तो हमारा बच्चा क्या सिंपल ये नीचे वाला डायग्राम आ जाएगा, V1 V2 डैश और Z इक्विवेलेंट। अब आप इस डायग्राम में अगर मैंने आपसे KVL KCL लगा कर बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट को फाइंड कर लिए, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपके इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, जिसे मैंने आपको समझाना चाहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।